हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 43rd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे MCQs ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज, वह क्रिया जिसके द्वारा माता पिता से बच्चों में लक्षण पहुंचते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी, इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता कौन हैं? ऑप्शन बी, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नॉट द रीडिस्कवरर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, इनमें से कौन आनुवांशिकता के सिद्धांत यानी मेंडल के नियम का रीडिस्कवरर नहीं है? तो मेंडल का नियम मेंडल ने खुद दिया था, लेकिन उसकी रीडिस्कवरी की गई कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और एरिक सेरमैक के द्वारा, लेकिन रीडिस्कवरर्स की लिस्ट में मेंडल का नाम नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस बिटवीन, मेंडल ने बगीचे की मटर पर संकरण के प्रयोग कब किए थे? ऑप्शन ए, 1856 टू 1863, 1856 से 1863। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक सही मिला है? तो जब आप मेंडल के द्वारा चूज किए गए 7 कैरेक्टर्स देखेंगे तो उसमें से एक ही सही है, ऑप्शन डी, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, एलील्स आर, एलील्स या एलीलोमार्फ्स क्या हैं? ऑप्शन डी, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। क्वेश्चन नंबर 7, ईमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर बॉडी इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ, पुष्प में से क्या हटाने या क्या निकालने की क्रिया ईमैस्कुलेशन कहलाती है? ऑप्शन सी, एंथर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 इज, जब आप एक लक्षण लेकर के क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों सेम आता है, लेकिन F2 जनरेशन में जीनोटिपिक क्या होगा? ऑप्शन सी, 1:1, 1:2 आता है F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस वेयर नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलील्स इज डोमिनेंट कॉल्ड, वह क्रिया जिसमें दोनों में से कोई भी एलील डोमिनेंट या प्रभावी नहीं होता उसे कहते हैं? ऑप्शन डी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इसमें से कोडोमिनेंस का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही होगा, AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और तीनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गेनिज्म शोज मल्टीपल एलील्स, इसमें से कौन सा जीव मल्टीपल एलील्स प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ मोनोहाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट द क्रॉस इज, जब एक मोनोहाइब्रिड का उसके अप्रभावी पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए, टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 14, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज,
इसमें से किस गुणसूत्र समूह को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे? जब पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और उसे एक्स एक्स वाई से सो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द सिंबल ऑफ एम्प्टी सर्कल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस रिप्रेजेंट्स। पेडिग्री एनालिसिस में जो खाली घेरे होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन सी, नॉर्मल फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? ऑप्शन डी, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इज आल्सो नोन एज। इसमें से किस नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 18, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन डी, बोथ सटन एंड बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन। क्रॉसिंग ओवर कहां नहीं होता? ऑप्शन बी, कंप्लीट लिंकेज में। क्वेश्चन नंबर 20, होलेंड्रिक जीन्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम फादर टू सन अकर्स थ्रू। ऐसे जीन्स जो पिता से डायरेक्ट पुत्रों में लक्षण ले जाते हैं उन्हें होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं, और ऐसा होता है? ऑप्शन सी, वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है? ऑप्शन बी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला इज। ड्रोसोफिला में लिंग का गुणसूत्रीय निर्धारण किस प्रकार का होता है? तो ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई में मैमल्स की तरह हम लोगों की तरह ही सेक्स डिटरमिनेशन होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, एक्स 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 वाई टाइप। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है, लेकिन ऑप्शन डी, जेड जीरो जेड जेड टाइप हनी बीज में नहीं बल्कि बटरफ्लाईज और मॉथ्स में होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फेल्योर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इज नोन एज। जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स सिनेप्सिस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में जब अलग नहीं हो पाते तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, नॉन डिसजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर जीन इज कॉल्ड। एक जीन के प्रभाव को दूसरे जीन के द्वारा दबाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, ईपिस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 26, मियोसिस इन TTYY विल प्रोड्यूस गैमेट्स। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई में मियोसिस होगी तो कितने प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न होंगे? ऑप्शन डी, कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, चार प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द प्रोजेनी ऑफ फादर हेट्रोजाइगस ए एंड मदर होमोजाइगस बी। यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए हेट्रोजाइगस है और माता का ब्लड ग्रुप बी होमोजाइगस है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें दो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और दो का बी आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ए नॉर्मल वूमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज ए नॉर्मल मैन हर सन्स वुड बी। यदि एक सामान्य महिला जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे एक सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उसके बेटों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो इसका अगर आप क्रॉस करवाएंगे तो दो लड़के होंगे, दो में से एक नॉर्मल होगा और एक कलर ब्लाइंड, इसलिए ऑप्शन डी, 50% कलर ब्लाइंड।
क्वेश्चन नंबर 29, अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इज, इसमें से कौन सा रोग लिंग से संबंधित है? ऑप्शन बी हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 30, डाउन्स सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ, डाउन्स सिंड्रोम किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी हाइपरप्लॉइडी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज ट्रू फॉर नलिशोमिक, इसमें से कौन सा नलिशोमिक के लिए सही है? ऑप्शन डी 2N-2। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रिटिकेल इज रिलेटेड विद, ट्रिटिकेल प्लांट्स की एक हाइब्रिड स्पीसीज है जो संबंधित है? ऑप्शन बी एलो पॉलीप्लॉइडी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फॉर क्रोमोसोमल एवरेशंस, गुणसूत्रीय असामान्यता के लिए इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो ऑप्शन डी सही होगा, डुप्लीकेशन, क्योंकि ये इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन है जबकि अन्य इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सर्कल और स्क्वायर जब डबल लाइन से मिले होते हैं तो उसका मतलब होता है मेटिंग विद रिलेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो ऑप्शन बी सही होगा, टर्नर्स सिंड्रोम, क्योंकि डाउन्स, एडवर्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ट्राइसोमी होती है, जबकि टर्नर्स सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज, इसमें से किस नंबर के गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तो उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं? ऑप्शन डी 22nd क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज ट्रू अबाउट सिकल सेल एनीमिया, इसमें से कौन सा एक सिकल सेल एनीमिया के लिए सही है? ऑप्शन बी सही होगा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, जब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है तो आरबीसी सिकुड़ करके हंसियाकार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू हेरिडिटरी डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, किस एंजाइम की कमी से एल्बिनिज्म रोग हो जाता है? ऑप्शन सी टायरोसिनेज। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी सोर्स ऑफ एलीलिक वेरिएशन इज, एलील्स में जो भिन्नता होती है उसका प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 40, कार्ल कोरेंस डिस्कवर्ड, कार्ल कोरेंस ने क्या खोजा था? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मेंडल के रीडिस्कवरर के रूप में कार्ल कोरेंस को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 41, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वाज बॉर्न ड्यू टू, यदि एक असामान्य बच्ची 3X गुणसूत्रों के साथ पैदा होती है तो इसका क्या कारण है? वैसे इसमें ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, लेकिन मोर करेक्ट ऑप्शन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा। क्वेश्चन नंबर 42, द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, एक जीन जब एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप तक गति करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, द टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर, कौन से दो विकसित कोशिकांग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं? तो आपको पता होगा यूकैरियोट्स में माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए वही दोनों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, ऑप्शन सी माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 44, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, मटर के पौधों पर अपने पुराने प्रयोगों में मेंडल ने इनमें से क्या उपयोग नहीं किया था? ऑप्शन ए पॉड लेंथ।
क्वेश्चन नंबर 45, मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर्स नाउ कॉल्ड। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे आज कहते हैं। ऑप्शन बी जीन्स। क्वेश्चन नंबर 46, इन मेल फ्रूट फ्लाइज व्हाइट आईज आर डिटरमाइंड बाई अ। नर फल मक्खी में सफेद आंखें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन बी रिसेसिव जीन ऑन एक्स। क्वेश्चन नंबर 47, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल एलील्स कहाँ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोजोम। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंडीशन ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन गर्ल। इसमें से युग्मनज में कौन सी स्थिति होने पर एक साधारण ह्यूमन गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। ऑप्शन ए 2X क्रोमोजोम्स, जाइगोट में यदि 2X गुणसूत्र होंगे तो लड़की होगी। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच डिजीज ह्यूमन यूरिन टर्न्स ब्लैक। किस रोग में मनुष्य का मूत्र काला पड़ जाता है। ऑप्शन बी एल्केप्टोन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक गलत मिला है। तो ऑप्शन ए बी और डी तीनों सही है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि टर्नर्स सिंड्रोम में कोई ट्राइसोमी नहीं बल्कि मोनोसोमी होती है और 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ।